तो इन दिस मॉड्यूल और इन दिस टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी हाउ यू विल क्रिएट योर पाइथन लाइब्रेरी. इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न हाउ वी कैन क्रिएट आर मॉड्यूल्स. हमने खुद के मॉड्यूल्स बनाए थे एंड देन वी इम्पोर्टेड दोज मॉड्यूल्स. टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट द लाइब्रेरीज. क्या होता है, लाइब्रेरीज या पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. अब मॉड्यूल्स हमने बनाना सीख लिया. इन द सेम वे वी विल लर्न हाउ यू विल मेक लाइब्रेरीज. देर आर सो मेनी लाइब्रेरीज अवेलेबल लाइक नमपाय, स्काईपाय और टिंकर. अब हम क्या बनाएंगे, हम पैकेज बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस. फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ पैकेज ऑफ एरिया लेट्स से. एंड अंडर एरिया पैकेज आई हैव वन मॉड्यूल दैट इज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड मॉड्यूल एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड मॉड्यूल और आई कैन से लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. आई मेक द पैकेज ऑफ शेप्स माई पैकेज नेम. देन अंडर पैकेज नेम आई हैव सम मॉड्यूल्स. तो मॉड्यूल वन सर्कल, मॉड्यूल टू ट्राइंगल, मॉड्यूल थ्री रेक्टेंगल एंड देन स्क्वायर एंड देन अदर अदर शेप. अंडर द मॉड्यूल्स वी हैव सम फंक्शंस. तो लाइक इफ आई से मॉड्यूल जो फर्स्ट होगा वो सर्कल होगा, सर्कल के अंदर भी कुछ होगा लाइक सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड बस ये होता है हाउ टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट. इन द सेम वे इन रेक्टेंगल मॉड्यूल पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. So this is how you create a package. So let's see what is the structure of a package. So you can see here there is a big folder that is known as music, and under music there are three subfolders: migrations and templates. Two subfolders are there. Also. In this subfolders migrations and templates, we have file initial, admin, apps, models, tests, URLs, views. These are some files available. Okay. So ye kya hua? Folder again the folder and then the files. If I say about this, this is shapes. Okay. This one is circle and this one is rectangle. और रेक्टेंगल के अंदर उसकी फाइल्स और सर्कल के अंदर उसकी फाइल्स, राइट. अब एज यू कैन सी हियर दिस इनिट डॉट पी वाई, दिस इज एवरीवेयर इन एवरी फोल्डर इट इज लोकेटेड. सो बेसिकली दिस इनिट डॉट पी वाई इज अ कंस्ट्रक्टर. आई डोंट थिंक यू हैव स्टडी कंस्ट्रक्टर. पढ़ा है किसी ने कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नो मैम. फाइन, आई थिंक सिलेबस में है भी नहीं आपके. कंस्ट्रक्टर एक वो फंक्शन होता है विच ऑटोमेटिकली रन्स, जिसको कॉल करता नहीं है यूजर, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोग्राम बना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हैंड टू हैंड वो ऑटोमेटिकली रन होता है. उसका प्रोग्रामर से कोई लेना देना नहीं है. लाइक इफ आई वॉन्ट टू रन दिस दिस प्रोग्राम और आई कैन से दिस फाइल, ठीक है, इस फाइल को रन करने के लिए मुझे इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट करने के बाद उसके फंक्शन को यूज करना पड़ेगा मैनुअली. बट दिस इनिट डॉट पी आई This is not at all called by any programmer or any user. It is automatically called. Second thing, this init.py indicate that it is an importable Python package. ये भी indicate करता है कि भाई एक Python package है. Without it, a folder is not considered as a Python package. इसके बिना जो फोल्डर आप क्रिएट करोगे वो फोल्डर की तरह ही एक्ट करेगा, पैकेज की तरह एक्ट नहीं करेगा. सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू एंटर समथिंग यू कैन एंटर, अदरवाइज यू कैन लीव द पैकेज एम्प्टी. आपने एम्प्टी फाइल बना दी इनिट डॉट पी वाई के नाम से एंड दैट इज ओके. एम्प्टी फाइल बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस फाइल शुड बी देयर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई. आई थिंक मैंने कॉमा लगाया हुआ है, दिस इज डॉट पी वाई. ओके, इट डिनोट्स दैट दिस फोल्डर इज अ पैकेज. अगर हम ये वाली फाइल नहीं बनाएंगे तो वो एक नॉर्मल फोल्डर ही रहेगा, ठीक. आई थिंक इतना समझ में आया होगा एंड वी आर मूविंग अहेड. सो यू कैन सी हियर हाउ
आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पैकेज इन द सेम मैनर. ये मेरा एक फोल्डर का नाम होगा, मैं कोई भी फोल्डर का नाम दूंगी. इन दिस देयर देयर आई विल ऐड थ्री मॉड्यूल्स एंड देन थ्री थ्री फंक्शंस इन ईच मॉड्यूल. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू नाउ. आई थिंक माय पाइथन इज विजिबल टू ऑल. पाइथन शेल एंड यस मैम, अभी विजिबल नहीं होगा. So fine, I am going to create functions now. There. So here I am taking func1. So hum chota sa ek message de dete hain. फंक्शन वन. ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. कंट्रोल सी. यूज माय फंक टू थ्री एंड फोर. दिस इज two, three and four. Now I'm going to save this. Save. And let's say I am going to desktop pe kar lete. Chalo jaldi se. Where is my desktop? Here is my desktop. And my folder name is module one. Aur uske andar maine rakha functions. Okay, and dot py, so it is there. Same. Fine. Now I'm going to save as again, and this time I'm going to create one more folder, that is module 2. Abhi to usko save bhi nahi. Chalo theek hai. And in this फंक्शन डॉट पी वाई इसमें कर देते हैं. फंक्शन टू डॉट पी वाई और इसको फटाफट से चेंज कर देते हैं. दिस इज इनसाइड मॉड्यूल टू. ओके, नाउ दिस टाइम वी आर इनसाइड मॉड्यूल टू. देन आई एम गोइंग टू मेक इट थ्री. And again, I'm going to save this outside one more module. One more GUL module 3. And there, I'm going to save this file. Fine. So, abhi hum zara isko minimize kar rahe hain. So, you can see here, my three modules are ready. Now I have to make a new folder like my package. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं my pack. So I am going to put all my folders into this. So you can see my pack is a folder which contains three subfolders: module 1, module 2, and module 3. In module 1, we have a function, function.py. Then module 2 and then module 3. Now abhi currently it is a module only. What I have to make, I have to make a file dot which is known as init.py in each and every module. So I'm going to right click here, new, and I'm going to take a text file and I'm going to write here underscore underscore
Init underscore dot py. मैंने कॉमा लगा दिया है. ओके, सो दिस फाइल इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट इन ऑल द अदर मॉड्यूल. सो माय फोल्डर इज रेडी. My path in this init.py and function 1, module 2 and module 3. Okay, one thing, just wait for a second. Okay, so just a second, ye dhairya aa gaya ab. Should not allow him today. Let him be outside. Okay, fine. So I am going to open my Python now. I think my screen is visible. No, it is not visible yet. And I'm going to share my screen with you all. Here is my yeah. So when I import. This is a मतलब way through which you can check all the libraries. So I'm going to print sys.path. It means here all the libraries are stored. तो ये आपको दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपकी Python library stored है. Fine. तो हमको भी अपने Python की जो library मैंने बनाई है, ये जो package मैंने बनाया है, इसको आपको वहीं store करना पड़ेगा. तो मैंने कॉपी किया हुआ है ये ऑलरेडी अपनी टेक्स्ट फाइल. मेरा पाइथन का पाथ इसको मैंने कॉपी किया. हेयर योर ऑल द फाइल्स आर लोकेटेड. तो आई एम जस्ट कॉपीइंग इट. Okay, so here are all the libraries available, and here is a lib library which contains all the packages. बहुत सारी packages भी हैं, files भी हैं यहाँ पर available. So if I import any one of these, like मैंने अगर इसको खोला, तो you can see here init.py is always there. हर जगह मिलेगा ये folder init.py. देखो किसी में भी चले जाओगे, हर जगह आपको folder मिलेगा. So what I'm going to do is I'm going to paste that folder here. So मैंने इसको क्या यहाँ से copy and then pasting it here. So I think my path के नाम से वो folder आ गया है. Here it is. My path वाला folder था. In this I have module 1, module 2, module 3. Under this I have a function. Okay. So up now I'm going again to my Python. Here's my Python and new file. So now I'm going to import my pack. The pack name of my package is my pack. ठीक. अब इस पैकेज में आपको कौन सा लाइक फोल्डर चाहिए है ना. देयर वर थ्री मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट डॉट मॉड्यूल 1. ठीक है. एंड देन प्रिंट func 1. ठीक है. इसमें क्या था, हमने क्या किया, प्रिंट किया func 1 को. एंड लेट्स से इट विल रन और नॉट. First of all, so I should save this file. तो मैं इसको desktop पे save कर देती हूँ. So you can see, first of all, it is giving an error. No module named my pack. Error आई है.
Just a second. Let me check. I think I have written something wrong. This is my library, and then what will happen? F5. Func1 is not defined. ये जो func1 है वो किसके अंदर है? Module 1 के अंदर, ठीक? And then F5. Now it is saying module 1 is not defined. तो हमने मॉड्यूल मैंने ना सब फोल्डर्स बना दिया. आई शुड मेक इट एज फंक्शंस. वो क्या करते हैं हम, I'm going to take this file out. And here I'm making module 1. This is taking out. And module 2. C and init.py. Now let's see what will happen. My pack, in this I have print module 1 function 1. So I'm going to print F5. It's saying that module 1 is not defined. बट स्टिल थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से पूरा प्रोसीजर कर लेंगे फिर. थोड़ा बहुत ही आया. तो स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते कि एक्चुअली में करना क्या है. अब मैं जरा धैर्य का एंटर करती हूँ. क्लास टीचर, टुमारो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5, दैट इज फाइल हैंडलिंग. दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. Yes, Dharya. Good morning. Speak up, Dharya. बोलना भी नहीं है अब. Yes, good morning, Dharya. Speak up. Good morning, ma'am. Where were you? ma'am, मैं तो इतने देर से यही था. आप हो यहाँ पे 30 minutes से, है ना? Yes, ma'am. Class का time क्या है? 8. और आपका कितने बजे आए? 8:10. क्यों? मैं वो लेट सोया था आज. तो लेडी सो और लेडी उठना आई विल नॉट अलाउ. सिंपल बात है, जो 8:05 तक आ गया दैट इज ओके. आफ्टर दैट आई विल नॉट एट ऑल अलाउ. वेटिंग रूम में ही बैठे रहना. ओके मैम. मैं नहीं अलाउ करूंगी आपसे. ओके मैम. ओके देन. सो दैट्स इट. दिस इज इट फॉर द डे. इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम सो प्लीज आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप. और यहाँ पर भी पूछ सकते हो और बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है? सेकंड थिंग, क्लास कब भी और हो सकती है. सेकंड थिंग इज कि क्या बोलना था मुझे, हाँ, रजिस्टर्स मेंटेन कर लेना कि कभी भी कॉलिंग हो जाएगी रजिस्टर्स की. और जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दिस इज क्वाइट टिपिकल वन. तो आंखें और दिमाग खोल के चलना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा.